हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। नमस्कार करते हैं, नए दिन की नई शुरुआत। तो हम सब बढ़िया हैं, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐतिहासिक मैदान नुमाइश खेत से। तो आखिरकार यहाँ मेला अब लगेगा ही। हमें अभी तक भी कन्फ्यूज था कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब बनने लगी हैं पूरी दुकानें और झूला वगैरह लगी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा सा बन रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तैयार हो जाइए। हमारे वहाँ के मेले की तैयारियाँ हो चुकी है देखने के लिए। तो जो ये बने हैं, यहाँ लगेंगे स्टॉल पूरे, यहाँ लगने हैं स्टॉल। एक रोल ये बनी, शायद इसमें दुकानें भी लगेंगी। इस बार कुछ ज़्यादा लगी हैं, पहले से ऊपर साइड को लगती थी। पूरी दुकानें लगेंगी और स्टॉल लगेगा और नीचे साइड को लगेगा। ये हैं झूले, ब्रेक डांस वाला टोरा टोरा। तो ये सामने और एक यहाँ पे लगा हुआ है बहुत प्यारा सा झूला। तो दोस्तों, हमें अभी भी कंफ्यूज था कि मतलब होगा नहीं होगा। जब ये झूले वगैरह आए तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ मेला लगेगा, क्योंकि बाहर से कोरोना करके हो रहा था दिक्कत। तो गाइडलाइन से जो आ रही थी उसके चक्कर से हमें लग रहा था कि कहीं होता है नहीं होता है मेला। तो ये देखिए सब लग चुके हैं, अभी तैयारी चल रही है, लगा रहे हैं सब लोग झूला वगैरह। दोस्तों काफ़ी चहल पहल रहेगी इस बार यहाँ पे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। देखिए ये देखिए, और सनसेट भी होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। तो ये देखिए फिर इस ओर भी पूरी यही बने हुए हैं। और यहाँ जो सामने भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे होंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम। हाँ, जो यहाँ पर ऐतिहासिक नुमाइश मैदान है उसमें, जो रामलीला भवन है उसमें, दादा नमस्कार, उसमें होंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम। तो पूरे सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारियाँ, किस तरह से तैयारियाँ होती हैं दोस्तों, बहुत समय लगता है तैयारियाँ करने में। हमें जब हम घूमने आते थे, फर्स्ट बार आ रही हूँ मैं, जो कि मतलब यहाँ बागेश्वर में रहते थे, हमको 20 साल हो गए। मतलब जब शुरुआत ही हो रही है, मतलब तभी हम पहली बार आ रहे हैं आज की, मतलब ऐसे लगता है करके। हम लोग बस सिर्फ उसी समय आते थे जिस समय तैयारी मतलब मेला शुरू होता था। तो ये हो रहा है, मैं और भाभी और हमारी दीदी, हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। और हमने सोचा कि क्यों ना हम नुमाइश खेत होते हुए एक बार देखा है कि क्या क्या हो रहा है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 साल बाद आज ये चीज हो रही है। निकलो भाभी, यहीं से आएंगे घर को। हाँ, जाते ना भी देर जाओ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रहते हैं जो बाहर से मेले के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं सभी की। दोस्तों ये देखिए कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए पूरा नुमाइश मैदान भर चुका है अब। और हम लोग जा रहे हैं, ये यहाँ पे है बेणी माधव मंदिर, ये देखिए। और पूरी यहाँ से आगे भी टाइल वगैरह लग गए हैं, तो इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर एक मतलब विहंगमय दृश्य बना दिया है बागेश्वर का। ये देखिए और भैया लोग, ये देखिए जो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं उसकी पूरी यहाँ पे भैया लोगों ने जो पेंटिंग बनाई हुई है हमारे, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। जो हमारे अभी नगर पालिका अध्यक्ष हैं खेतवाल जी, उनका बहुत बहुत आभार। उनकी जो स्मृति है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच को मतलब जितने बार भी हम धन्यवाद करें, कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हमारा बागेश्वर बनेगा, ऐसा सजाया जाएगा। तो देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी पेंटिंग हुई है दीवारों में, हर जगह चित्रण चित्राया गया है। देखिए जितनी हमारे यहाँ प्रोग्राम होंगे सारे दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर विश्राम गृह में लोग सब आराम से बैठे हुए हैं। ये देखिए सेल्फी पॉइंट, ये बना हुआ है सेल्फी पॉइंट। और यहाँ पर ले रहे हैं सेल्फी, बहुत सुंदर था। अगर यहाँ से सेल्फी लेते तो हमारे आते हैं यहाँ से ऊपर नीलेश्वर का मंदिर आता है इस साइड से, अगर उस साइड से हम खींचेंगे तो उस साइड से आते हैं हमें माँ चंडी का। तो बहुत खूबसूरत विहंगमय दृश्य ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत। देखिए बहुत खूबसूरत,
और दोस्तों जो हमारा जो मेन जो पुल बना था उसमें बहुत सुंदर सा दृश्य और स्तंभ बनाया गया है, बहुत प्यारा सा, देखिए।